हेलो गाइस, मेरा नाम चांदनी चतुर्वेदी है और आज हम कुछ नई वोकैबुलरी पढ़ेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में आई हुई वोकैबुलरी हैं। किसी भी प्रकार से हमसे पूछ लेता है, हो सकता है इनका एंटोनम पूछ ले, इनका सोनोनम पूछ ले, तो जो मेन वोकैबुलरी, जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी हैं वही आज हम लोग सीखेंगे। आपके सामने कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, अपोजी, पिनेकल, समिट एंड कल्मिनेशन। इन सभी का मतलब है आपका पीक, हाइएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो आज पहला वर्ड देख रहे हैं अपोजी। अब अपोजी को जिस प्रकार से आपने मेरे से अगर वोकैबुलरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हम कुछ अलग ढंग से ही वोकैबुलरी पढ़ते हैं। तो अगर मैं बोलूं आपको कि इन वर्ड्स को याद कर लो, वो तो आप बुक से भी याद कर लेंगे। मेड इजी बुक ले लें वर्ड मीनिंग की, और कितने सारे वोकैबुलरी हैं उसमें। तो याद में मेरा काम क्या है, आपको इस वीडियो को देखते ही आपको ये वर्ड्स याद हो जाएं। तो पहला वर्ड मैं अपोजी को किस प्रकार से रिलेट करूं कि हाईएस्ट पॉइंट, जो पीक होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट टॉप, उसका उससे का मतलब, अपोजी का मतलब हाईएस्ट पॉइंट ही है। कैसे याद करें उसको देखते हैं। अपोजी को मैं इस प्रकार से रिलेट कर सकती हूँ, अपोज करना। अगर मैं मतलब हाईएस्ट पॉइंट मतलब हाईलाइट होना है कहीं पे, हाईएस्ट पीक में जाना है। अगर आप किसी भी पोजीशन में आप हैं, टॉप में है, तो आप मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी हो गए, मतलब टॉप में चले गए, हाईएस्ट पॉइंट में चले गए। तो अगर मैं अपोजी को रिलेट करूं कि अगर मैं कोई एक साधारण व्यक्ति हूं, अगर मैं किसी कारणवश किसी ऐसे व्यक्ति को जो हाईएस्ट पॉइंट में है उसको अपोज करने स्टार्ट कर दूं, मतलब उसके विरोध में बातें करने लगूं, तो सभी मीडिया का नज़र मेरे पे आ जाएगी कि मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं उनको अपोज कर रही हूं। मतलब मैं एक फेमस पर्सनैलिटी हो जाऊंगी कि मैंने ऐसी हिम्मत रखी कि एक ऐसे टॉप में व्यक्ति जो है उसको अपोज कर रही हूं। मतलब कि अगर आपको टॉप या पीक में जाना है तो आप किसी को भी अपोज करना स्टार्ट कर दें, ऐसी पर्सनालिटी को अपोज करना स्टार्ट कर दें। तो अपोज से मैं याद रख सकती हूं अपोजी को कि अगर अपोजी बनना है तो मैं अपोज कर दूं। दूसरा वर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा होगा पिनेकल। अब पिनेकल को कैसे रिलेट करें कि पिनेकल का मतलब मैं हाईएस्ट पॉइंट याद कर लूं। पिनेकल याद नहीं हो रहा, पाइन ट्री, यहां पे पिनेकल से पाइन ट्री दिखाई दे रहा है, ताड़ के वृक्ष। जो पाइन ट्री होती है वो क्या होती है, बड़ी लंबी लंबी सी होती है ना, ऐसे त्रिकोण में लंबी लंबी सी होती है पाइन ट्री। बस बोलते हैं जब कोई बहुत लंबा होता है, बोले कि ताड़ की जैसे बढ़ता जा रहा है या फिर कुछ भी ऐसा। तो पाइन ट्री से मैं पिनेकल को याद कर सकती हूँ ना, पाइन, पिनेकल से पाइन, तो पिनेकल को मैं पाइन से रिलेट कर सकती हूँ। और पिनेकल का वर्ड याद करते हैं टॉप पीक, टॉप पीक या हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। दूसरा वर्ड आपको अपोजी के बाद आपने याद किया पिनेकल। तीसरा वर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है समिट। अब समिट को कैसे रिलेट करें टॉप पीक या हाईएस्ट पॉइंट से, तो अगर मैं समिट को रिलेट करना चाहूं तो अगर आप ये बोल सकते हैं क्या ये G20 समिट होती हैं, G7 समिट होती हैं समिट से ये सभी, तो ये इस समिट में भाग कौन लेते हैं, कौन कौन सी कंट्रियां भाग लेती हैं, जो टॉप में होती हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट में होती हैं। तो समिट में वही कंट्रियां भाग लेंगी जो टॉप में हो, पीक में हो या हाईएस्ट पॉइंट में हो। तो हम उसको उससे रिलेट कर सकते हैं समिट से। समिट यानी भी होता है टॉप, पीक या हाईएस्ट पॉइंट। आई होप तीसरा वर्ड भी याद हो गया होगा, पहला वर्ड आपका अपोजी, दूसरा वर्ड आपका पिनेकल एंड थर्ड वन इन समिट। अब चौथा वर्ड कैसे याद करें, थोड़ा टफ लग रहा ना, कि कल्मिनेशन। कल्मिनेशन को कैसे रिलेट करें कि कल्मिनेशन का मतलब भी हो जाए हाईएस्ट पॉइंट या फिर टॉप या फिर पीक। तो कल्मिनेशन को ऐड कर सकते हैं, एक रिलेट कर सकती हूँ मेरे नज़र से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा ना कुल्लू मनाली। कल से कुल्लू हो गया, मिनेशन से आपका मनाली हो गया। अब कुल्लू मनाली है कहाँ, बहुत हाईएस्ट पॉइंट में है, कहाँ, जम्मू कश्मीर, वहाँ हाईएस्ट पॉइंट में है कुल्लू मनाली, है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे होने के कारण कुल्लू मनाली से मैंने रिलेट किया कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब ही होता है टॉप, पीक या हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो मेरा आई होप आपको चारों वर्ड्स याद हो गए होंगे हाईएस्ट पॉइंट या फिर टॉप या पीक से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इस वीडियो पे बने रहें। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों पे, और इसी प्रकार से हमें प्यार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।